हेलो माय सर, डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन। मैं आपको बताऊँगी कि प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन आखिर क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन क्या होता है? तो प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन को हम लोग प्रोस्टेट स्टोन भी कहते हैं। जब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में स्टोन का डिपोजिशन होने लग जाए, कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन कहते हैं। प्रोस्टेट में स्टोन होना एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये जो मिडिल एज के मेल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन या फिर प्रोस्टेट स्टोन को डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। इस डिज़ीज़ को डायग्नोस या फिर डिटेक्ट तब किया जाता है जब आपको ऑलरेडी कोई और बीमारी चल रही हो, जैसे कि UTI या फिर प्रोस्टेटाइटिस। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन कैसे होता है। तो अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाए और अगर आपके यूरेथ्रा में ब्लॉक होने लग जाए, तो उसी के वजह से यूरिन स्टेग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है, जिसके वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आगे चल के आपको सीवियर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को प्रोस्टेट में स्टोन होने का। तो सबसे पहला कॉज है प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट होना। अगर किसी भी मेल को प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है, एनलार्ज हो रहा है, तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस हुआ है तो उसके पीछे भी ये बीमारी एक कॉज हो सकती है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कैंसर की सर्जरी के बाद भी आपको ये कंडीशन हो सकती है, या फिर अगर आपको रेडिएशन थेरेपी चल रहा है तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन का और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर आप प्रॉपरली डाइट नहीं लेते हैं, अच्छे से आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को प्रोस्टेट में कैल्सिफिकेशन हुआ है, उन्हें प्रोस्टेट में स्टोन हुआ है, तो आखिर उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ऐसा देखा जाता है कि यूरिन का जो स्ट्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होने लग जाता है, आपको ड्रॉप वाइज यूरिन आ सकता है, यूरिन का फ्लो स्टॉप हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है। इसके अलावा कई सारे मेल्स को यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, उन्हें पेनफुल यूरिनेशन की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाती है, उन्हें बार बार अर्ज करता है यूरिनेशन का। इसके अलावा मेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें अनयूजुअल सा पेन होने लग जाता है और वो उन्हें लोअर एब्डोमिनल या फिर ग्रॉइन एरिया में हो सकता है। इन मेल्स को पेन हो सकता है पीनिस में या फिर उन्हें पेन पेरिनियम या फिर रेक्टम एरिया में भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जब भी ये मेल कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें इजैक्युलेशन के टाइम पेन हो सकता है और उनका जो सीमेन है उसका कलर डार्क येलो हो सकता है। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट में स्टोन है और वो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराए तो उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि उन्हें इनफर्टिलिटी की कंप्लेन हो सकती है, उनको जो मेल है वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकता है। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सेबल सेरुलेटा 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कैली बायोक्रोम का यूज़ कर सकते हैं 200 पोटेंसी में। इसके अलावा आप कैंथेरिस 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप लेना है दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर। कम से कम ये मेडिसिन आपको 2 से 3 मंथ चलाना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया कि आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड में जब स्टोन होता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उसके कॉज क्या है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।